हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी ये वीडियो है एक्टिवा की है, तो इसकी क्रैंक की जो बैलेंसिंग होती है वो आउट हो गई है, जिसकी वजह से सेल्फ भी नहीं ले पा रही है। बट किक से स्टार्ट हो जाती है, ये होती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है अगर सेल्फ से बाई चांस हो जाती है तो इसके लिए हमें इसका इंजन खोलना पड़ेगा। पूरे इंजन खोलेंगे हम इसका, और मैं उसके बाद दिखलाता हूँ आपको इसमें दिक्कत क्या है। पहले हम इसका इंजन खोल लेते हैं। तो हमने इसका इंजन खोल दिया है। ये इसकी क्लच वाली साइड है, जिसमें से देख सकते हो आप, ये स्प्रिंग शाफ्ट है ये जो इसमें से बाहर आ रही है। तो इसमें दिक्कत ये क्रैंक की बैलेंसिंग आउट हो गई, इसकी वजह से ये ऑयल भी यहाँ से लीकेज हो रहा है। देख सकते हो आप, चैम्बर काला काला हुआ है पूरा। और देखो क्रैंक कितनी आउट है इसकी, बहुत ही ज़्यादा आउट है इसकी क्रैंक। हम इसकी अलाइनमेंट करवानी है, बैलेंसिंग करवानी है। मैं आपको मैग्नेट साइड से भी दिखला देता हूँ कैसी है ये। देखिए कितनी ज़्यादा अलाइनमेंट आउट है इसकी मैग्नेट साइड से। तो अब इसकी क्रैंक खोल लेते हैं, उसके बाद दिखलाता हूँ आपको इसमें करना क्या है। तो ये इसकी क्रैंक हमने अलाइनमेंट करवा ली है। तो अलाइनमेंट करते हुए मैं आपको दिखला नहीं पाया क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। तो अलाइनमेंट हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब हम इसे गाड़ी में लगाते हैं और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखलाते हैं। देखिए अलाइनमेंट, देखिए इसकी बिल्कुल सीधे हो गई क्रैंक। अब हम इसे गाड़ी में लगा के आपको स्टार्ट करके दिखलाते हैं। तो हमने गाड़ी का इंजन फिट कर दिया है, गाड़ी हमने स्टार्ट भी कर दी है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखलाता हूँ गाड़ी। तो अब गाड़ी हमारी नॉर्मल सेल्फ ले रही है आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। बस हमने इसमें जो भी कराया सिर्फ क्रैंक अलाइनमेंट करवाई है, बाकी हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।